जितनी पब्लिक परेशान है, जॉब पे पहुंचना है, आगे बढ़ना है लाइफ में, बाहर की कंट्री देखना है, वो लोग वो लेवल पे पहुंचे। मैं तुम लोग को लीगल तरीका बताने जा रहा हूँ, एकदम लीगल, ठीक है। तुम लोग का पैसा जो है, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को कि तुम लोग आ सकते हो वो चीज़ों में, वो अमाउंट में। तो अभी तुम लोग को करना क्या है, ना वीडियोस की रीच बढ़ाने, ना सब्सक्राइबर, ना ये ना वो। मैं खाली चाह रहा हूँ कि जिसको ये वीडियो की ज़रूरत है, जो इंसान को बाहर उड़ने का है, उसके ही बस ये काम आए और वो बंदा उड़ जाए। सो क्या बोलते पब्लिक, आ जाओ मचाते, मिल्क शेक पीते और क्या। अभी मैंने ना ये एयरपोर्ट ले लिए, लाओ एक दोस्त से चाम लिए, लाओ उसको आधा पैसा दिया, मैं बोला आधा थोड़ा चेक करने के बाद देता हूँ। तो आज ये एयरपोर्ट से मेरे पास पहले जो था, मेरा एयरपोर्ट खराब हो गया था, पानी में गिर गया था, अभी ये दूसरा लिया। तो देखते वॉइस क्वालिटी में जो भी रहेगा समझ के लेना। बाकी आज की टॉपिक पे चलते हैं। अभी देखो, एक सिंपल और एकदम ईजी बात कर रहा हूँ मैं, और ये वीडियो ना तुम लोग थोड़ा भी स्किप करना नहीं। पहली बात तो, अगर तुम लोग इंडिया या कोई भी कंट्री में हो, तुम लोग को इधर कोविड में आने का है, वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना भाई। जितनी लंबी चलती है चलने दो, ये तुम लोग के फ्यूचर के लिए, तुम लोग के बेनिफिट के लिए वीडियो है, ठीक है। तो तुम लोग के मतलब बोलते हैं ना लाइफस्टाइल के हिसाब से, मतलब बोलते हैं ना एक फ्यूचर के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। और ये वीडियो मुझे बहुत पहले बनाना था, लेकिन मैं कुछ कन्फर्मेशन की वजह से रुका था। तो जो भी है, मैं ड्रॉप टाइमिंग पे ड्रॉप कर रहा हूँ। मेरा मेन मकसद है ये वीडियो बनाने का, वीज़ा के लिए बात करते आज कि वीज़ा का क्या सीन है। तुम लोग को कोविड में आने का है, बराबर, कितनी पब्लिक है, सबको कोविड में आने का है, सबको फ्री में आने का है भाई, कैसे होएगा, तुम समझ रहे क्या, होएगा ऐसा नहीं होएगा। अभी जिसकी नसीब में रहेगा उसको हो जाएगा फ्री में, होएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं अपनी कंपनी में बोला है, वैकेंसी जैसी भी रहेगी मैं बताऊंगा। मैं खुद वो टाइम के लिए वेट कर रहा हूँ कि कब मेरी कंपनी स्टारबक्स में, अलशाया में, कोविड में वीज़ा लगता है और उसका इंटरव्यू आता है इंडिया में कोई भी कोने में, बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में, भूटान में, कोई भी मतलब कंट्री में आता है वीज़ा। तो मेरा काम है फटाक से वीडियो बना के ड्रॉप करने का और पब्लिक को बताने का कि भाई फ्री वीज़ा आ चुका है, तुम लोग जाके ये एड्रेस पे जाके इंटरव्यू दे सकते हो। उसमें से तुम लोग के इंटरव्यू पे डिपेंड रहेगा, पास होते नहीं होते नसीब में रहेगा, हो जाएंगे हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो क्या, तो फिर से फ्री वीज़ा के लिए एक साल दो साल बर्बाद करेंगे। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ भाई, वीडियो को पूरी देखना, ध्यान से समझना, और ये वीडियो में तुम लोग का फ़ायदा होएगा और तुम लोग एरोप्लेन में बैठ के दूसरी कंट्री उड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये वीडियो को ध्यान से देखना और समझना, डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही कमेंट मत कर दो वीडियो देखते साथ ही। हाँ, लव हार्ट वार्ट भेजने का वो अलग बात है, कैसे हो क्या हो पूछने का वो अलग बात है, लेकिन बिना वीडियो पूरी देखे डायरेक्ट मतलब कुछ भी क्वेश्चन मत करो, हो सकता है वो क्वेश्चन का आंसर ये वीडियो में ही रहेगा। तो इसके लिए मैं तुम लोग को अभी सिंपल और स्ट्रेट बात बता दूँ, क्या पता अभी आवाज़ का क्या सीन है क्या नहीं। पब्लिक देखो, एक तो फ्री वीज़ा अपन रखे ले थंबनेल पे, फ्री वीज़ा इन कोविड, पेड वीज़ा, बराबर, एक फ्री वीज़ा एक पेड वीज़ा। अब फ्री वीज़ा जो है वो मेरी कंपनी में अलशाया में सबको मालूम है, मेरे जितने व्यूवर्स हैं उन सबको मालूम है, बराबर। पेड वीज़ा जो है वो भी है, जैसे कि तुम लोग एजेंट के थ्रू लेते हैं या किसी से लेते हैं, बट वो एजेंट जेन्युइन रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी पब्लिक को ये नहीं बोलता हूँ कि भाई तुम लोग एजेंट के पास जाओ, पैसा भरो और इधर आओ। मैं ऐसा कभी नहीं बोला, कोई भी ब्लॉग में नहीं बोला और आगे भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे को क्या मालूम भाई, मैं कैसे गारंटी ले सकता हूँ, सही बात है कि नहीं। लेकिन मैं एक और चीज़ है जिसकी गारंटी ले सकता हूँ, तुम लोग को चांस दे सकता हूँ बाहर उड़ने का। उसके लिए तुम लोग को करना क्या पड़ेगा, ओके ना, यू आर ओके ना। उसके लिए तुम लोग को करना क्या पड़ेगा, तुम लोग को रखने का है पेशेंट, सबर, पब्लिक सबर, रिलैक्स, आराम से, ज़रा भी घाई नहीं है, ज़रा भी वीडियोस देख के यूट्यूब पे करेंसी को कैलकुलेट मार के सब खर्चा वर्चा निकाल के, होता है सबके दिल में होता है, लेकिन कैसी कंट्री है, जो मुझे चाहिए वो चीज़ है कि नहीं, वहाँ पे क्या होएगा, फ्यूचर मत देखो यूट्यूब पे फ्यूचर मत देखो, फ्यूचर खुद के अंदर देखो कि भाई पेशेंट रखने का है, शांति से काम लेने का है, बस कैसे भी बाहर निकलने का, बाहर पहुँचने का है, बराबर। कोविड जाने का है, दुबई जाने का है, कनाडा जाने का है, कोई भी कंट्री जाने का है, बट
जाने का, बराबर। सब्र रखना पड़ेगा भाई, सब्र रखो, काम डाउन रहो, रिलैक्स रहो, जल्दबाजी में किधर भी कुछ भी पैसे से फंसाओ मत। समझ सकता हूँ इंडिया की कंडीशन क्या चालू है, पता है मुझे, मैं समझ रहा हूँ, पूरा तुम लोग का फील कर रहा हूँ मैं, वो हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो पेशेंट रखो पब्लिक, रिलैक्स रखो। मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे 6 से 7 महीने का टाइम दो, ठीक है। अब 6 से 7 महीने का मुझे टाइम देने का है, उसमें तुम लोग को भी कुछ करना है। क्या करना है? 2 से 3 पेटी जमा करने का है। भागो मत, पहले बात सुनो, समझो, पूरी बात सुनो। एजेंट को देंगे 5 पेटी, बराबर, दूसरे आदमी को देंगे 6 पेटी, तीसरे आदमी को देंगे 10 पेटी, और इधर किधर जॉब सही लगती, क्या होता, किधर फंसते, क्या होता है, कोई गारंटर नहीं है। एजेंट इंडिया में, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, पैसा उसके पास उसका आ गया, बराबर। मैं तुम लोग को लीगल तरीका बताने जा रहा हूँ, एकदम लीगल, ठीक है। तुम लोग का पैसा जो है, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को कि तुम लोग आ सकते हो वो चीज़ों में, वो अमाउंट में। तो अभी तुम लोग को करना क्या है, ये 6-7 महीना पेशेंट रखना है, मेरी वीडियो का वेट करना है। उस वीडियो में तुम लोग को प्रॉपर एजेंट का नंबर, उसकी डिटेल, क्या प्रोसेस है वो, और सब कुछ दूंगा। अभी भी दे सकता हूँ, क्यों नहीं दे रहा हूँ, मैं रुका हूँ प्रूफ के लिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जल्दबाजी में आके वीडियो बना के सब कुछ अपना और आगे चामते रहूँ, आगे बढ़ते जाऊँ, या ऐसा वैसा ये वो, नहीं, वो सब चीज़ नहीं चाहिए। अभी मैं ये वीडियो में तुम लोग को काम डाउन करने के लिए आया हूँ, पेशेंट रखो बोलने के लिए आया हूँ, और पैसा जमा करने बोलने के लिए आया हूँ। 6 से 7 महीने का टाइम है, किसी के पास तो अभी भी बैंक में पड़ा होगा, कोई भी खास से भी 2-3 बेटी का अरेंजमेंट कर भी सकता है, किसी के पास 200 रुपया नहीं रहेगा वीडियो देख रहा है लेकिन। तो इसके लिए थोड़ा टाइम दो खुद को, पैसे जमा करो, कम से कम 2.5-3, थोड़ा और ज़्यादा करेंगे तुम लोग के लिए अच्छा है। प्रॉपर फ्लाइट की टिकट से लेके, एजेंट से लेके, प्रॉपर जॉब पे लगने तक का सब चीज़ में साथ दूंगा, साथ दूंगा मीन्स वीडियो के ज़रिए, उसके अलावा टाइम नहीं दे पाऊंगा भाई, क्योंकि मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ। मेरी बात को गलत वे में मत लो, मैं तुम लोग के लिए इतना मतलब वो चीज़ को निकाला हूँ ढूंढ के कि कहाँ से मेरी पब्लिक बराबर निकले। और सब लोग का सपना होता है, सबको फील करके मैं वीडियो बनाता हूँ, भले मैं कैसा भी हूँ, कोई भी हूँ, कहाँ का भी हूँ, बाकी जो कंडीशन होती ना इंसान लोग की फीलिंग, वो अपन लोग बहुत अपनी बोलते ना एक हिसाब से वीकनेस है, अपने लोग को नहीं अच्छा लगता। मैं देख रहा हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे भी लोग परेशान हो रहे, DM कर रहे, वो लोग बोल रहे भाई तुम वीज़ा भेजो, तुम जाके मेरे लिए विजिट वीज़ा निकालो, टूरिस्ट वीज़ा निकालो, मुझे यहाँ बुलाओ। भाई मैं कैसा जाऊँगा, मैं मतलब एक आदमी दो आदमी की बात नहीं है ना, यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं भाई। मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, समझ रहे, मैं जॉब पर भी जा रहा हूँ, मेरा टाइम ऐसा निकल जाता है खपत से, मेरे को मालूम है, मेरे को छुट्टी मेरे हिसाब से नहीं मिलती है कि मेरे को ये दिन छुट्टी चाहिए, वो स्केड्यूल बनता है लोगों का, तो वो सब सीन रहता है भाई। तो मेरे मतलब मेरा काम है लोगों को मोटिवेट करना, मेरा काम है जो मुझे नॉलेज है वो उन लोग से शेयर करना, और बस बदले में अपने को और कुछ नहीं चाहिए, बस पब्लिक वहाँ पे सही सलामत पहुँचे। तो हाँ, मेन टॉपिक ये है भाई, वीडियो को स्किप मत करो, भागो मत, समझ रहे, घाई गड़बड़ी मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ये वीडियो तुम लोग के लिए चेंजेस ला सकती है, ओके। और तुम लोग ये वीडियो को शेयर करो, ये वीडियो अभी मैं ख़त्म नहीं हुई वीडियो, और बाकी ये बात पूरी सुनो, वीडियो को शेयर करो, जो भी ज़रूरतमंद है फैलाओ पब्लिक को, ताकि मुझे भी दिखे ना कि हाँ ऑडियंस और ज़्यादा ये टॉपिक पे चाहिए, ज़रूरतमंद है, जॉब की सर्च में है लोग, तो मैं और ओपनली वीडियो बना, बराबर। तो उसके लिए जितना हो सकता है शेयर करो। और दूसरी बात ये, मैंने तुम लोग को बोला 2-3 पेटी, बराबर, मैं सब टॉपिक पे आ रहा हूँ, लोग परेशान मत हो, मेरी बात सुनो, मैं सब टॉपिक पे आ रहा हूँ। मैंने तुम लोग को बताया कि 2-3 पेटी जमा करो, और मुझे 6 से 7 महीने का टाइम, तो उसमें मैं क्या करूँगा, वो 6 से 7 महीने में मुझे मेरा प्रूफ मिलेगा कि हाँ मैं वीडियो बना के अपनी पब्लिक से ये नंबर शेयर कर सकता हूँ, ये एजेंट लीगल है, और ये एजेंट इन लोग को यहाँ से यहाँ ये कंट्री में ये जॉब पे ये फिक्स सैलरी पे पहुँचा सकता है, कन्फर्म है, 100% शोरू, प्रूफ है मेरे पास, आग से देखे लाऊ मैं, कन्फर्म है, समझ रहे भाई। तब जाके मैं तुम लोग को उसका नंबर शेयर करूँगा और बोलूँगा पैसा इन्वेस्ट करो, समझ रहे। तो अभी तुम लोग के पास क्या है, टाइम है,
6 से 7 महीने। मैं ऐसी नहीं बोल के मैं कल्टी नहीं मारूंगा भाई, अगर मुझे लगेगा इल्लीगल है तो मैं वो फिर भी वीडियो बना के डालूंगा कि ये चीज़ ये एजेंट से कभी मत करना, ये एजेंट भले ही गूगल पे इंटरनेट पे इसके उसके वीडियोस पे दिख रहा है तुम लोग को के ये ज़रिए से लोग जा रहे हैं तो मैं 2-3 पेटी घुसा दूँ, समझ रहे? तो वो चीज़ होगी तो भी मैं बताऊँगा, और अगर वो चीज़ करेक्ट रहेगी तो भी मैं बताऊँगा। अभी तक 99% लोग जा चुके हैं वो एजेंट के थ्रू, पास हो गए, इसके लिए इतनी कॉन्फिडेंस है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन 99% में से 1% जो रिमेनिंग है ना, उसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। जब वो 100 होएगा ना, तब वीडियो बना के प्रॉपर कॉन्टैक्ट नंबर देके सब कुछ करके बोलूँगा भाई बिंदास पैसा लगाओ। लेकिन उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, वीडियो पूरी देखना, थोड़ी में से मत भागना, एज अ डिस्क्लाइमर देख लो। लेकिन उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखो, क्वालिफिकेशन प्रॉपर रखो, और क्या बोलते हैं उसको, इंटरव्यू होगा उसमें भी प्रॉपर रखो, समझ रहे? सब कुछ होने के बाद मेन वीज़ा के टाइम पे कुछ कांड होता है अपने इंडिया में ही कि वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा है या ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, उसका नहीं बोलना, समझ रहे? वो तुम लोग के इस पे हो सकता है कि पर्सनल थिंग्स पे हो सकता है, अपनी अपनी गवर्नमेंट ही अगर हरकत करे या कुछ कोई भी कुछ भी मतलब एम्बेसी जो भी लास्ट में वीज़ा के प्रोसेस में होता है बराबर, वो सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगा मैं। लेकिन मैं नंबर शेयर करूंगा, और मेरी पब्लिक जाने की वजह से, ये मेरी वीडियोस चलने की वजह से वो लोग को इतना प्रॉफिट होने वाला है ना, बदले में कुछ स्पॉन्सरशिप नहीं है। वो लोग ने मुझे रेफरल किए कि तू हम लोग को इतने बंदे दे, तो उसने मैं बोला तू मुझसे 10 बंदे मांग रही है मैं तेरे को 100 बंदे दूंगा, तू 100 मांग रही है मैं तेरे को 1000 बंदे दूंगा, लेकिन मैं एजेंट नहीं हूँ और मेरे को बदले में कुछ चाहिए नहीं। बस पब्लिक सही में मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को खाली इतना चाहिए कि भाई अपनी पब्लिक पहुँचे, जितनी पब्लिक परेशान है जॉब पे पहुँचना है, आगे बढ़ना है लाइफ में, बाहर की कंट्री देखना है, वो लोग वो लेवल पे पहुँचे। तो इसके लिए पब्लिक शेयर करो, फैला दो ये वीडियो को, और मेरी वीडियो के लिए 6 से 7 महीने का तो मैंने ज़्यादा इसके लिए टाइम लिया हूँ, उससे पहले भी हो सकता है, अगर तुम लोग चैनल पे एक्टिव हो तो उसके लिए भी हो सकता है। मैं ना वीडियोस की रीच बढ़ाने, ना सब्सक्राइबर, ना ये ना वो, मैं खाली चाह रहा हूँ कि जिसको ये वीडियो की ज़रूरत है, जो इंसान को बाहर उड़ने का है, उसके ही बस ये काम आए और वो बंदा उड़ जाए, समझ रहे? मेरा खाली यही एक इंटेंशन बोलते ना वो है वीडियो बनाने, और मैं खुद चाहता हूँ कि उन लोग पार हो जाए। और मेरे को क्या चाहिए, उन लोग तो पूछा, मैं देखा हाँ भाई पब्लिक जा रही है, काम हो रहा है, मैं भी खुश, खत्म, अपने पास सब कुछ है, अपने को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बाकी पब्लिक जिसके पास नहीं है, उन लोग का भी टाइम है, उन लोग का भी टर्न है, उन लोग को भी मिलना चाहिए। तो वो हिसाब से मैं ये वीडियो बनाया, सिंपल बेसिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई लोग, सब्र रखो, पेशेंट रखो। और जितने भी लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस देख के आए, मैंने किसी को अपना नंबर भी दिया हूँ, तो वो लोग अपने फैमिली से बात करवा के, फैमिली वाले मुझे बोल रहे कि आपके भरोसे मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ वो सब चीज़ मेरे पे मत डालो। मैं वीडियोस में ये बता रहा हूँ कि आप विजिट वीज़ा लेके आ जाओ, विजिट वीज़ा लेके आए अपने बल पे यहाँ पे, धीरे धीरे मेरी वीडियोस में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, और भी बाकी के अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से तो बहुत बड़े बड़े हाई लेवल के ब्लॉगर हैं, उन लोग की भी वीडियोस देखो, उसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिल जाती होगी, तो उन लोग को देख के वो लोग के हिसाब से थोड़ा तुम लोग को और हेल्प हो जाएगी। ऐसा मत बोलो कि मेरे भरोसे, मैं भी तो यहाँ जॉब ही कर रहा हूँ ना, मैं तो ऐसे वैकेशन पे तो नहीं बैठा हूँ ना यहाँ पे कि मैं एक एक के लिए भी भागूंगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, DM में विद इन 24 आवर्स रिप्लाई दे सकता हूँ, स्टोरी डाल सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, समझ रहे? लेकिन मैंने तुम लोग के लिए ऑलरेडी जॉब लेके आ गया हूँ, मैं तुम लोग का जो टाइम था ना वेट करने का, वो ख़त्म हो चुका है। अभी तुम लोग को खाली जो मैंने जो वीडियो में जो बोला हूँ, वो प्रोसेस को फॉलो करके सीधा यहाँ पे क्या कहीं भी उड़ने का है, सीधा उड़ने वाली ढाई है, रुकने का नहीं अपनी कंट्री में। लेकिन 6 से 7 महीने का पेशेंट रखो, चाहूँ तो अभी भी नंबर दे सकता हूँ, लेकिन रिस्क में नहीं डालने का है मेरे को, तुम लोग समझ रहे? रिस्क में बोले तो हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हाँ सही में हो गया ये वो ऐसा वैसा, लेकिन मैं खुद 1% कन्फर्मेशन के लिए रुका हूँ। जब मैं देखूँगा हाँ कि चीज़ हो रही है, हो गई है, हो चुकी है, दे दूँगा तुम लोग को लाके वीडियो, दे दूँगा नंबर, शेयर कर दूँगा, जाओ टूट पड़ो उन लोग के ऑफिस में, धड़ाधड़ पब्लिक घुसते जाएंगी, वही शॉर्ट है। तो भाई पब्लिक
अभी वीडियो को लाइक वाइक करो, थोड़ा प्यार व्यार दो। क्या है, तुम लोग भूल जाते क्या लाइक करने में? को मालूम है पब्लिक भूल जाती, समझ सकते हो। और शेयर करो, कमेंट में तुम लोग का प्यार छिड़को और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करो। क्या है क्या नहीं सबको मतलब फैलाते रहो। पैसा जमा करो भाई, पैसा जमा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा जमा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला ना 2.5 से 3 पेटी, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5, उससे ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। और इतने पैसे में कोविड का वीज़ा नहीं मिलता भाई। तुम लोग एजेंट के पास गए रहेंगे, कोई एजेंट तुम लोग को इतने पैसे में नहीं छोड़ेगा, ये भी याद रखना। जो छोड़ेगा वो तुम लोग के खुद के रिस्क पे छोड़ेगा, के बोलेगा कहीं और तुम लोग लगेंगे कहीं और। लेकिन इसमें वो वाला रोल नहीं है, जहाँ पे बोल के भेज रहे हैं वहीं पे भेजेंगे, जहाँ पे जितनी सैलरी बता रहे उतनी सैलरी मिलेगी, जो फैसिलिटी बोल रहा है वही फैसिलिटी देगा, बाकी तुम लोग के ऊपर हाथ डालने का कि नहीं। ये सीन है पप्पू, मेरा बनाना मिल्क शेक, चोको बनाना मिल्क शेक। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बाकी तुम लोग समझने की कोशिश करो। यही सब सीन था, मैं बोला बोल देता हूँ पब्लिक को, खाली पेशेंट रखो और पैसा जमा करो। पैसा कैसा जमा करने का वो तुम लोग के हाथ में। इसका मतलब ये नहीं कुछ गलत काम करो, घर वालों से झगड़ा करो या तो कुछ भी, ऐसा नहीं भाई। अपने दम पे करो, और जब फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पेटी लग रहा है तो 1 पेटी तो खुद से जमा करने की कोशिश करो, हार्डवर्क करके, डबल मेहनत करके। वो पैसा अगर तुम लोग को खुदा ना खास्ता वो जो मैं डाउट पे हूँ, कभी वो चीज़ नहीं हुई वैसा तो मुझे नहीं लगता। अगर होती तो मैं ये वीडियो नहीं डालता। फिर भी अगर वो चीज़ नहीं हुई तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास सेफ तो होएगा, उतने टाइम में उतना पैसा तुम वही चीज़ लेके, टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा लेके, दुबई, कोविड, सऊदी, जिधर भागने का वहाँ भाग के, थोड़ा अपना खर्चा अर्चा करके, जॉब वॉब ढूंढ के, हकामा वीज़ा लगा के, ख़त्म। जॉब मिल गई तुम लोग को भार्गव की, समझ रहे? नहीं तो सिंपल, खाली पेशेंट रखो, 6 से 7 महीने का टाइम दो, कन्फर्मेशन होएगा। हो सकता है 4 महीने में ही वीडियो बना के छोड़ दूँ, 3 महीने में ही छोड़ दूँ। चैनल पे रहना एक्टिव, वो वीडियो के लिए रुकना जरूर। और ये वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करो, तुम लोग के शेयर करने जितना मैं देखूँगा, हाँ भाई पब्लिक अपनी शेयर कर रही है, तो मैं उतना और वो चीज़ के बारे में डीपली प्रॉपरली पूरा वीडियो बना के डाल सकता हूँ, बराबर पब्लिक। ये सब सीन था, थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। उस एजेंट का नंबर भी दूंगा जो लेजिट है, लीगल है, बराबर। तो मैं अभी यही सब सीन था, यही बोलने का था मेरे को कि एक तो फ्री वीज़ा है, अगर मेरी कंपनी में फ्री में आता है काम तो मैं छोड़ दूंगा वीडियो, फ्री में आता है तो मैं बना के छोड़ दूंगा, ये एड्रेस पे है। अब कंपनी खाली इंडिया तो नहीं जाएंगी ना हायर करने, श्रीलंकन है, फिलीपीन है, नेपाली से, भूटानी से, इंडियन है, पाकिस्तानी है, इतनी कंट्री है, तो थोड़ी ना रोज़ रोज़ वीज़ा चालू रहेगा। यहाँ पे ऑलरेडी 60-70 हज़ार लोग काम करते हैं भाई, तो वो लग बाय चांस होता है। तो सब फ्री के पीछे मत भागो, कुछ अपनी जेब से भी कमा के, लगा के, आप बचा के, या करके करो। यही था बोलने का मतलब, यही सब सीन था पब्लिक। होप तुम लोग को समझ में आया होगा, एकदम फुर्सत से बात करने का था, इसलिए फुर्सत वाली जगह पे आए लोग, मेरे DC जड़ो आज के। तो ये है शॉर्ट आउट, इसको बेचारी का ड्रिंक गिर गया था जब हम लोग को ड्रिंक पिला रही थी वो टाइम पे, मतलब सर्व कर रही थी वो टाइम पे। तो ये सब सीन था पब्लिक। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो भाई। पेशेंट रखो, सब्र रखो और हिम्मत रखो, वहाँ पे वहाँ के खर्चे निकालो, कर्जे में मत जाओ, जो भी है सर पे से वो हटाओ, प्यार दो, प्यार बांटो, प्यार फैलाओ और मचाते रहो अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ो। तो थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब किए, जितने भी लोगों ने सपोर्ट किए मेरे काम को देख के, भले मेरे तरीके किसी को नहीं पसंद आए, फिर भी उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किए मेरे काम को देख के, थैंक यू सो मच कि पब्लिक सुन रही है और अपना काम चल रहा है और अपन रावस जा रहे हैं। तो ये एक रॉ वीडियो थी, ज़्यादा एडिटिंग वाला रोल नहीं, खाली समझाने का था। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, पूरी वीडियो देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब तुम लोग सब कुछ समझ चुके ऑलरेडी। ये सब सीन था, वेट करो वो वीडियो के लिए, सब्सक्राइब मारो और बेल आइकन दबा के रखो ताकि तुम लोग को वो वीडियो मिले ही मिले कैसे भी, इन फ्यूचर जब भी मैं बनाऊँ। तो
बाकी वीडियो में भी प्यार शीट को देखो, इन्फॉर्मेशन लो, और सबको लव, नो हेट टू एनीवन, बस यही बोलूँगा। तो मिलते गाइस अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।